हेलो एवरीवन, तो चले हम लोग लास्ट टर्न पे जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको क्विक रिविजिट मान लेते हैं। तो लास्ट टर्न पे हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले तो मैंने कोर्स का ओवरव्यू दिया था कि कोर्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें हमने तो पहले ये बताया था कि हमने पूरे सिलेबस को 6 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है और इंडिविजुअल यूनिट्स को अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और हर यूनिट्स में कई सारे चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर को इंडिविजुअली एक एक करके लेंगे। फिर हमने सिलेबस लिखाने के बाद में हमने ये कहा था कि पहले चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, पहले चैप्टर में हमने नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति स्टार्ट किया था और संख्या पद्धति में कुछ बेसिक बातें हमने बताई थी। तो बेसिक बातों में हमने पहली बात ये बताया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल सदैव एक धनात्मक, किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव एक धनात्मक संख्या होती है। तो उसमें हमने ये बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ चार या वर्गमूल ऑफ चार दो होता है, प्लस माइनस दो नहीं होता, ये नहीं होता। सिमिलरली वर्गमूल नौ जो है वो तीन होता है, प्लस माइनस तीन नहीं होता। अच्छा, फिर दूसरी बात हमने ये बताया था इससे वर्गमूल से रिलेटेड या जनरल बेसिक से रिलेटेड कि अगर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो इसका सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने ये भी समझाया था कि अगर एक्स स्क्वायर अगर फोर के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट फोर होगी। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू रूट फोर होगी तो गलत कर रहा है, तो इसका सही आंसर है प्लस माइनस रूट फोर, और प्लस माइनस रूट फोर विल बी प्लस माइनस टू। फिर हमने उसके बाद में ये भी कहा था कि आप तो ऐसे सॉल्व करो ही मत, आप तो ऐसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, फैक्टराइज कर लो एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड टू, तो या तो एक्स की वैल्यू टू होगी या माइनस टू होगी, तो यहाँ से भी दो मान निकल कर क्या जाएंगे और यहाँ से भी दो मान निकल कर क्या जाएंगे। फिर हमने कहा था कि दो मान क्यों निकल कर क्या आ रहे हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और किसी भी द्विघात समीकरण के दो हल होने चाहिए, और दो हल होने का मतलब माइनस दो रखने पर भी इस समीकरण हल का, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ किसी भी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है, या अगर मैं कहूं कि इस समीकरण के सॉल्यूशन का मतलब से आप क्या समझते हो, तो उसका मतलब ये है कि चर का वह मान या वेरिएबल का वह मान जिसको समीकरण में रख देने पर, जैसे मैं x इक्वल्स टू चार, एक्स इक्वल्स टू दो अगर इस समीकरण में मैं रख रहा हूँ, तो x बराबर दो रखने पर इस समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएगा। तो अगर मैंने x बराबर दो रखा तो दो का वर्ग चार बराबर चार, इसका मतलब चार बराबर x बराबर दो रखने पर इसका LHS और RHS दोनों बराबर है, इस वजह से x बराबर दो इस समीकरण का हल होगा। सिमिलरली x बराबर माइनस दो, माइनस दो अगर मैं रखूंगा तो माइनस दो का वर्ग चार, चार बराबर चार, इसका मतलब माइनस टू भी इस समीकरण का हल है, तो माइनस टू भी इसका हल है और प्लस टू भी इसका हल है, इसका मतलब माइनस टू और प्लस टू दोनों ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि माइनस दो और प्लस दो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों उसको सत्यापित कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम पे हमने ये तीन दो तीन बातें पढ़ी थी कि जैसे वर्गमूल चार जो है वो दो होता है, और किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल एक धनात्मक संख्या होती है, और अगर समीकरण में सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम प्लस माइनस मतलब, फिर हमने एक और क्वेश्चन दिया था कि अगर x बराबर रूट फोर हो तो x का मान क्या होगा, तो इसमें हमने बताया था कि x की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ प्लस टू होगी, क्योंकि रूट चार का मान दो ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो है वो x नहीं होता, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स भी नहीं होता, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स भी नहीं होता, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर बेसिकली मॉड एक्स होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड एक्स और प्लस माइनस एक्स ये दोनों एक चीज़ नहीं है, पहली बात तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए। ये लास्ट टर्न पर भी मैंने डिस्कस किया था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के इक्वल होता है, और ये हमें याद रखना है। जैसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं ना कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अंडर रूट ए स्क्वायर क्या होगा, तो टेंथ लेवल पे हम ये सोचते हैं कि अच्छा ए स्क्वायर से ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, ए मान आ जाएगा, जबकि ये कहना सही नहीं है। इसका सही तरीका ये है कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो मॉड ए लिखें। लेकिन अब फिर कोई बच्चा ये कहेगा कि सर अगर अंडर रूट चार का वर्ग लिखा हुआ है तो हम तो उसको चार ही लिख देते हैं, तो बात तो सही है चार लिख देते हैं, लेकिन ये लिखना भी गलत है, मतलब आंसर तो सही आ रहा है लेकिन इस तरीके से लिखना सही नहीं है, तो फिर हमें लिखना ऐसे चाहिए इसको।
ऑल दो मॉड चार का मान चार ही निकल करके आएगा, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बार में तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई बच्चा अगर ये लिखने लगा तो फिर उस केस में वो फंस जाएगा। अगर वो ये लॉजिक जो पहले वाले लॉजिक से लिख रहा था, तो अगर ये लॉजिक आपको पता नहीं है तो आप इसका आंसर -3 दोगे, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट ही हमने यही बताया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल सदैव एक किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव एक धनात्मक संख्या होती है, तो यहाँ पे एक ऋणात्मक मान आ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सही इसका आंसर ये होगा -3, और -3 का मॉड क्या होगा? 3 होगा। तो इसी वजह से ये याद रखना है आगे से कि अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो उसका मान एक्स भी नहीं है, माइनस एक्स भी नहीं है, प्लस माइनस एक्स भी नहीं है, इसका सही आंसर क्या है? मॉड एक्स। तो जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि अंडर रूट 4 का स्क्वायर को लिख देते हैं प्लस माइनस 4, अगर आप ये बोल रहे हो तो इसके बेसिस पे प्लस माइनस 4 आएगा, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अमूमन क्या होगा आगे चल करके बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैं आपसे कहूँ अंडर रूट 1 - sin²θ, तो अक्सर बच्चे इसको क्या लिख देते हैं, इसको तुरंत लिख देते हैं cos θ, क्योंकि 1 - sin²θ cos²θ होगा, cos²θ का वर्गमूल cos θ होगा। लेकिन ऐसा कहना गलत है, ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर इसका सही तरीका ये होगा कि अंडर रूट cos²θ, यहाँ तक तो सही है, इसके बाद में आपको लिखना चाहिए मॉड cos θ। अब वो डिपेंड करेगा, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, कि अगर थीटा किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में, तो जिस चतुर्थांश में होगा उसके हिसाब से फिर cos θ का मान निकल करके आएगा, प्लस cos θ या -cos θ। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये बात पूरी मैथमेटिक्स में हर एक जगह पे अप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि समीकरण में अप्लाई हो जाएगी, चर के लिए अप्लाई हो जाएगी, त्रिकोणमिति में नहीं अप्लाई होगी, ये एक जनरल बात है और पूरी मैथमेटिक्स में हर एक जगह पे अप्लीकेबल होगी। समझ आ रही है बात? चलें अब आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लो आप लोग। ये सही है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जरा इक्वेशन और इनइक्वालिटी के बारे में। उससे पहले एक और पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। उससे पहले पॉइंट ये पढ़ेंगे कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होगा, ए ऑप्शन +2, बी ऑप्शन -2, सी ऑप्शन +-2, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या होना चाहिए। तो बेसिकली जब ये क्वेश्चन हम क्लास में पूछते हैं तो बहुत सारे बच्चे -2 आंसर बताते हैं, लेकिन -2 आंसर इसका नहीं है, इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ दिस। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव एक काल्पनिक संख्या होती है, तो ये बेसिकली वास्तविक है ही नहीं। वास्तविक ना होने का मतलब कि इसका मान क्या निकल करके आएगा वो हम डायरेक्टली अभी नहीं बता सकते, तो इसका मतलब इसका मान एक काल्पनिक संख्या होगी। अब यही नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव एक काल्पनिक संख्या होगी। तो लिखें पॉइंट, आप नोट करें, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव एक काल्पनिक संख्या होगी। नेक्स्ट एग्जांपल में इसके लिख लें आप अंडर रूट, जैसे नेगेटिव में आपसे कहूं अगर वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आ गई तो ये एक नेगेटिव मान होगा, ये काल्पनिक मान होगा। अब इसी से आगे चल करके जब
मैथमेटिक्स बहुत सालों तक आकर के इसी पर रुक गई थी कि अंडर रूट के अंदर क्या किया जाए। जब भी इस तरह के समीकरण को सॉल्व करते थे एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर शून्य या एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक, तो अब इसका हल क्या निकल करके आएगा। तो मैथमेटिक्स बहुत सालों तक यहाँ पे आकर के रुक गई थी कि इसका अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ से तो कोई भी वास्तविक मान नहीं निकल करके आएगा एक्स का। अब मैं पूछूँ इस समीकरण का हल क्या होगा, तो अब इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मान नहीं है। तो जब यहाँ पे आकर के रुक गई तो मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि यार कोई और तरीका निकालते हैं हम लोग, जिसकी वजह से या जिसके बेसिस पर हम मैथमेटिक्स को आगे डेवलप कर पाएँ। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऋणात्मक एक का मान हम आई बोल दें, आई जिसको हम कहते हैं आयोटा, तो आई को हम कहते हैं आयोटा, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऋणात्मक माइनस एक आ रहा है तो उसको हम आई बोलेंगे और वो आयोटा होगा। अगर हम अंडर रूट माइनस एक को डिफाइन कर दें आई के बराबर है, तो अब हमें कोई भी वर्गमूल के मान को अलग से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, सारे ही मान को करणी में माइनस एक के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू क्या होगा, तो वो होगा अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट टू, दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आई रूट टू। सिमिलरली जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अंडर रूट माइनस फोर क्या होगा, तो अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट फोर, इसका मान आई और इसका मान कितना होगा टू, तो कितना आ जाएगा ये मान टू आई के बराबर। नेक्स्ट अब मैं अगर आपसे फिर से ये क्वेश्चन पूछूं तो क्या होगा इसका आंसर, तो सोचो, तो वर्गमूल में माइनस दो का वर्ग, तो पहले तो इसका मान निकालेंगे कितना आएगा, तो ये तो इफेक्टिवली कितना आ जाएगा चार, और चार का वर्गमूल क्या आएगा दो का वर्ग, जो कि कितना आएगा। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये ऋणात्मक संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखो तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, माइनस टू का स्क्वायर क्या है एक तो पॉजिटिव नंबर ही है ना, तो माइनस टू का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल एक पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव संख्या आ भी रही। ये ऐसे भी सोच सकते हो जो अभी बताया था उस वाले लॉजिक के बेसिस पर, इसका मान कितना आएगा माइनस टू का मॉड, माइनस टू का मॉड कितना आएगा टू के बराबर। अब फिर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे ही माइनस चार को भी लिख लें, तो चलो लिख करके देखते हैं। तो अंडर रूट में माइनस चार को हम क्या लिख सकते हैं, किस संख्या का वर्ग, दो का वर्ग, नहीं दो का वर्ग तो चार होता है, ये तो माइनस चार लिखा हुआ है, तो फिर माइनस दो का वर्ग, नहीं ये भी नहीं लिख सकते, तो फिर माइनस दो का वर्ग, हाँ ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के इक्वल है। क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि इस माइनस का क्या करोगे, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये कितना होगा आई और ये कितना होगा टू का वर्ग, वही मॉड दो तो वही निकल करके, कैसे भी कर लो आंसर तो उतना ही निकल करके आना है ना। तो ये बात याद रखेंगे कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव एक काल्पनिक संख्या होती है। तो अगर अंडर रूट में कभी माइनस चार आ रहा है, जैसे आप लोगों को याद होगा कि द्विघात समीकरण में जब भी डी का मान लेस देन जीरो हो जाता था तो मूल क्या होते थे, काल्पनिक होते थे। तो ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि जब डी अगर आपको याद हो द्विघात समीकरण का जो हल निकालते थे एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए, यही तो होता था, तो हम इसी के आधार पे तो कहते थे कि अगर d का मान लेस देन जीरो हो गया इसका मतलब वर्गमूल के अंदर एक ऋणात्मक संख्या आ गई होगी। अगर वर्गमूल के अंदर एक ऋणात्मक संख्या आ गई तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। क्यों, क्योंकि वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या आ गई तो उसका मान क्या होगा, काल्पनिक मान होगा। अरे बात समझ में, तो इसका मतलब अगर मैंने ये कह दिया कि d का मान लेस देन जीरो हो गया तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर d का मान धनात्मक हो गया, तो d का मान अगर पॉजिटिव आ गया तो वो भी एक धनात्मक संख्या हो, वो वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक कैसे होगी, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि वर्गमूल चार क्या होगा तो ये तो एक वास्तविक मान होगा। ये बात हमने आपको बताया भी था कि किसी भी, सबसे पहला पॉइंट जो हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव एक धनात्मक संख्या होती है। तो अब क्या क्या बातें हमने पढ़ ली उनको दोबारा रिकम्बाइंड करते हैं।
कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव एक धनात्मक संख्या होती है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव एक ऋणात्मक संख्या होती है, सॉरी सदैव एक काल्पनिक संख्या होती है, धनात्मक संख्या का वर्गमूल सदैव एक धनात्मक और वास्तविक दोनों होता है। अच्छा, अब थोड़ा i के बारे में पढ़ लेते हैं। जब i की बात आ ही गई है तो i इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस वन होता है। इस समीकरण का वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो i स्क्वायर का मान किसके बराबर आ जाएगा, माइनस वन के इक्वल है, तो i स्क्वायर बराबर माइनस वन होता है। फिर इसी समीकरण में अगर मैं i से दोनों तरफ गुणा कर दूँ, तो अगर i से गुणा करूँगा तो इधर कितना आ जाएगा आई क्यूब, और इधर कितना आ जाएगा तो माइनस वन गुणे आई, तो माइनस आई है, तो i क्यूब का मान माइनस आई के बराबर होता है। तो इसको भी हमने साइड से लिख लिया कि i स्क्वायर का मान माइनस एक के बराबर होता है, i क्यूब का मान माइनस आई के बराबर होता है। अब इस समीकरण में फिर से मैं अगर i से गुणा कर लूँ तो इधर कितना आ जाएगा i पे घात चार, इधर कितना आ जाएगा माइनस आई गुणे आई, कितना आ जाएगा तो माइनस आई गुणे आई माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान माइनस एक और वो माइनस मिल करके प्लस एक हो जाएगा। थोड़ा सा रुक करके सोचो खुद से ही, या अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आई पे घात चार क्या होगा, आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर, आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान कितना माइनस एक, और आई स्क्वायर का मान कितना माइनस एक, माइनस एक गुणे माइनस एक प्लस एक, ऐसे भी हो सकता है। तो i पे घात चार का मान किसके बराबर होगा प्लस एक, तो ये सारे ही मान हमें याद रखने हैं। आपके लेवल पे इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, इस पे बेस्ड अभी आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है इमिग्रेशन हिस्ट्री में। एनीवे अब ज़रा एक और बात करते हैं, ये बताएं ज़रा i रेस पावर फाइव i पे घात पाँच का मान कितना होगा, इसका मान कितने के बराबर होगा, तो i पे घात पाँच का मान होगा आई पे घात चार गुणे आई, आई पे घात चार का मान अभी अभी हमने देखा एक, तो इसका मान आई पे घात पांच का मान वही होगा जो आई का मान होगा। अच्छा, अब आई रेस पावर छः इसका मान जरा सोचो, तो आई रेस पावर छः का मान क्या होगा, तो आई रेस पावर छः का मान आई पे घात चार गुणे आई स्क्वायर, आई पे घात चार का मान कितना आ जाएगा एक, तो ये किसके बराबर होगा, तो आई पे घात छः का मान वही होगा जो आई स्क्वायर का मान। अब मेरे ख्याल में आपको पैटर्न समझ में आने लगा होगा, क्या कि आई पे घात सात का मान वही होगा जो आई क्यूब का मान होगा, कैसे सोचो खुद से कि आई पे घात सात कितना होगा, बेसिकली आई पे घात सात होगा आई पे घात चार गुणे आई पे घात तीन, आई पे घात चार का मान कितना होगा एक, आई पे घात तीन के बराबर। अब आई पे घात आठ का मान कितना होगा, तो वो तो एक के ही बराबर होगा। दो तरीके हैं इसको समझने के, क्या एक आई पे घात चार आठ का मान आई पे घात चार गुणे आई पे घात चार, एक इंटू एक कितना आ जाएगा, तो एक के बराबर। अब इससे ये बात समझ में आई कि यही पैटर्न, अब मेरे ख्याल में आपसे अगर मैं ये पूछूं कि ये बताओ आई रेस पावर नाइन कितना होगा, तो आई रेस पावर नाइन उतना ही होगा जितना आई की वैल्यू होगी, क्योंकि वो रिपीट करने लगेंगी वैल्यूज। तो अब एक बात ये समझ में आ रही होगी कि फोर के साइकिल में रिपीट कर रही है, चार के चक्र में रिपीट कर रही है। जब आई रेस पावर नाइन का मान लो, आई रेस पावर टेन का मानिए, आई रेस पावर इलेवन का मानिए, आई रेस पावर ट्वेल्व का मानिए, तो अब इन्हीं बातों को अगर मैं कंबाइंडली आपसे लिखूं, तो अब जरा एक बात और सुने कि ये वो संख्याएं हैं जिनको घात को देखें, घात अगर हम घात पे देखें, तो अगर मैं पहली वाली लाइन में ये एक ऐसी संख्या है जिसको अगर मैं चार, इसकी घात को अगर मैं चार से भाग दूंगा तो एक शेष पल आएगा। देखो गौर करें आप कि चार से भाग देंगे इन सभी मानों को, चार से भाग देंगे तो एक शेष पल आएगा। तो इसी चीज को लिखने का एक तरीका ये हो सकता है, ये वो संख्याएं हो गई जिनको हम चार से भाग देंगे तो दो शेष पल आएगा। कैसे दो शेष पल आएगा, देखो चार से भाग दोगे तो चार से भाग देंगे तो ये तो हो गई नहीं, दो ही शेष पल आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो चार से भाग देंगे तो दो शेष पल आ जाएगा, इसको भी देंगे तो ये वो सभी मान है जिसको चार से भाग देने पर दो शेष पल आएगा, इसका मान माइनस दे। ये मैं किस बेसिस पे लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ विभाजन प्रमेय के आधार पर। विभाजन प्रमेय क्या बोलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल कितना होगा k, और भाजक कितना है चार, और प्लस शेषफल कितना आ रहा है दो, तो वो आएगा भाज्य का मान। तो वही भाज्य का मान कितना है, अगर छः है तो वो इसी रूप में होगा जहाँ पर k कोई एक पूर्णांक है। तो आई पे घात चार के प्लस तीन का मान कितना आएगा, माइनस आई के बराबर। और आई पे घात अगर अगर घात चार के बराबर आ जा रही है, चार से विभाजित हो जा रही है, तो उसका मान कितने के बराबर आएगा, प्लस। तो ये अभी आपको याद रखना है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है कि अब पहले तो ये समझो कि ये लिखाया क्यों है, ये इसका समझने का सेंस क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम i पे घात कोई भी ऐसे मान रखें जो चार से विभाजित करने के बाद में एक शेषफल आ रहा हो, तो उसका मान i के बराबर होगा। जैसे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ i पे घात 321 का मान कितना है, ए ऑप्शन i, बी ऑप्शन माइनस i, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन माइनस 1, तो बताएं इसका मान कितना निकल कर के। तो अब सोचे, तो देखो एक तरीका तो ये है, आई पे घात 321 को हम लिख ले रहे हैं कि आई पे घात 320 इंटू आई पे घात 1, फिर आई पे घात 320 को मैंने लिख लिया आई पे घात 4 पे घात 80 इंटू आई पे घात 1, कैसे 4 8 32 320, और आई पे घात 4 का मान मुझे ऑलरेडी पता है कितना होता है, एक के बराबर। तो इस पूरे का मान कितने के बराबर आ जाएगा, एक इंटू आई पे घात एक, तो कितना निकल करके आ गया आई, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आई। ये तो मेथड वन है। अब मेथड टू मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इससे ज़्यादा यूजफुल है और एक देख करके आप आंसर बता दोगे, वो ये कि आपको तो सिंपली ये ऑब्जर्व करना है कि जो भी घात है उसको चार से विभाजित करना है। अच्छा, चार, बहुत से लोगों के ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपके दिमाग में कहाँ से आया, या आपको कहाँ से ये बात समझ में आई कि चार से ही विभाजित करना है, या चार के ही सेंस में क्यों देख रहे हैं। तो उसका आंसर ये है कि नंबर का जो घात का रिपीटेशन हो रहा है वो कितने के बाद में रिपीट करने लग रही है, चार के बाद में करने लग रही है। तो अगर चार के बाद में रिपीट करने लग रही है तो चार की तो साइक्लिसिटी से देखी जाएगी कि चार के ही आधार पर चार के बाद में फिर वही संख्या रिपीट कर रही है, फिर चार के बाद में। यानी अगर ये अगर मैं यहां से फर्स्ट टाइम काउंट कर रहा हूं तो ये बताओ ये दोबारा कब आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो चार के बाद में रिपीट हुआ ना, तो चार के बाद में अगर रिपीट हो रहा है किसी को भी ले लो, अगर आप इसको ले रहे हो तो 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर इसको आपने ले लिया तो 1 2 3 4, तो कहीं से भी आप देख लो चार से ही डिवाइड हो। अच्छा, अब इस पे आते हैं मेथड टू पे। तो हमने क्या कहा कि आप तो ऐसा करो कि चार से विभाजित करके देखो, अगर चार से विभाजित हो गई पूरी पूरी घात, तो अगर चार से विभाजित हो गई पूरी पूरी तो मान कितना निकल करके आएगा, एक। अगर चार से विभाजित करने के बाद में एक शेषफल आ रहा होगा तो उसका मान आएगा आई, अगर दो शेषफल आ रहा होगा तो माइनस है, तीन शेषफल आ रहा होगा तो माइनस है, माइनस आई। तो चलो अब विभाजित करते हैं। तो चार से विभाजित करने का रूल क्या होता है, तो ये अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपसे याद रखेंगे कि लास्ट की दो संख्या चार से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर लास्ट के दो नंबर्स चार से विभाजित हैं तो संख्या चार से विभाजित हो। तो अब आई पे घात 321 में अगर आप लास्ट की ये पूरी संख्या को चार से विभाजित होने के लिए लास्ट की दो संख्या चार से विभाजित होनी चाहिए, तो क्या लास्ट की दो संख्याएं चार से विभाजित हैं, तो आंसर है नहीं। तो अब सवाल ये उठा नहीं है, लेकिन अब चार से विभाजित करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो आंसर आया कि चार से विभाजित करेंगे तो 4 5 20 एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो एक रिमाइंडर आएगा तो एक वाले पे जाएंगे, एक वाले पे जाएंगे, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, बस यही आंसर देख करके आप बता सकते हो। अब इसी बेसिस पर आप और क्वेश्चंस लिखो। फर्स्ट सेकंड इन सब के मान निकालो। तो इतनी बड़ी संख्या देख करके घबराना नहीं है, सिर्फ आपको तो चार से डिविजिबिलिटी के लिए, चार से विभाजित करने के लिए लास्ट की दो संख्या को देखना। विभाजित करोगे कितना भाग, कितना शेषफल आएगा, दो, तो दो शेषफल आएगा, इसका मतलब दो पे कितना आता था माइनस, इसको चार से विभाजित करो कितना शेषफल आएगा,
तो 3 आएगा, क्योंकि 68 हो जाएगा, या 72 पे हो जाता, 72 होता तो डिवाइड हो जाता, नहीं एक कम है, यानी शायद यानी 68 टाइम्स गया होगा, तो 68 प्लस 3 तो इसका मतलब 3 आ रहा है। तो इसका मान 3 शेषफल आने पर कितना आना चाहिए इसको, तो इसमें भी 3 शेषफल आएगा, कैसे 36 36, 3 आ जाएगा तो इसका भी मान। तो देख करके आप बहुत इजीली बता दोगे, अगर आप इस मेथड से जाओगे तो ये बहुत बड़ी संख्याओं को आपको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आई होप समझ में आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन का और आंसर, इसका मान कितने के बराबर है? तो वीडियो को पॉज करो और सोचो कैसे किया जाए। ऑप्शंस वही हैं, 0, बी माइनस 1, सी 1, डी आई। तो चलो करते हैं। तो मेथड वन से हम वही अपने लॉजिक से करते हैं। इसको 4 से विभाजित करेंगे कितना शेषफल आएगा, तो 4 से विभाजित करेंगे तो 3 शेषफल है, 3 शेषफल आने का मतलब इसका मान माइनस आई के बराबर हो। इसको 4 से विभाजित करेंगे तो ये तो 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो 4 से विभाजित हो जाएगा तो मान कितना आना चाहिए, 1। इसको 4 से विभाजित करेंगे कितना शेषफल आएगा, तो 1 आएगा शेषफल, 44 के बाद में 1 शेषफल आएगा, 1 शेषफल आने का मतलब इसका मान कितना आना चाहिए भाई। तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका मान मैंने लिखा है माइनस आई के बराबर, इसका मान लिखा है मैंने आई के बराबर, इसका मान मैंने लिखा है प्लस आई के बराबर, और लास्ट 46 ये कितना होगा, 4 से विभाजित करेंगे 2 शेषफल आएगा, 2 शेषफल आने का मतलब इसका मान कितना होगा माइनस एक के बराबर, तो इसका मान निकल करके आएगा माइनस एक के बराबर। तो माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, माइनस आई प्लस आई से कैंसिल, इसका मान कितना निकल करके आएगा, 0। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ऐसे देख, आई रेस टू द पावर 43, अगर आप सही से देखो तो इन चारों में कॉमन दिख रहे हैं, आई रेस पावर 43 कॉमन दिख रहा है, कैसे कॉमन दिख रहा है, यहां पे 1 आ जाएगा। अगर आप सही से ऑब्जर्व करो तो आई रेस पावर 43 बेसिकली क्या है, आई रेस पावर 43 जो है वो आई रेस पावर 44 जो है वो ये है, आई पे घात 43 इंटू आई पे घात 1, तो आई पे घात 43 तो कॉमन आ गया, आई बच गया यहाँ पे। ऐसे ही आई पे घात 45 का मान कितना होगा, आई पे घात 43 इंटू आई स्क्वायर, तो 43 फिर से बाहर आ गया, ये बच गया। ऐसे ही 46 क्या होगा, 43 प्लस 3 तो आई क्यूब, तो आई पे घात 43, 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर कितना होगा माइनस 1, प्लस आई क्यूब का मान कितना होगा माइनस 1, ये 1 से ये माइनस 1 कैंसिल, आई से माइनस आई कैंसिल, आई पे घात 43 इंटू 0, और इसका मान कितने के बराबर आएगा, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो एक ही बात। चले अब दोबारा फोकस करते हैं। अब जरा आप ये ऑब्जर्व करें कि इस क्वेश्चन में कुछ सिमिलैरिटी थी क्या या कुछ स्पेशलिटी थी। तो एक क्वेश्चन पहले उससे पहले एक और लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आई रेस पावर लेट अस से 401 प्लस आई रेस पावर 402 प्लस आई पे घात 403 प्लस आई पे घात 404, इसका मान कितना निकल कर, ऑप्शन सी 4, ए 0, बी 1, सी माइनस 1, डी आई। तो भी वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। तो देखें आई पे घात 401 सेकेंड वाले मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, कॉमन ले लेते हैं, मेथड 2 से कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा आई, यहाँ पे कितना आएगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान माइनस, यहाँ पे कितना आएगा, तो 401 कॉमन ले रहे हो 404 में से, तो 3 बचेगा, और आई पे घात 3 का मान कितना आएगा माइनस आई। अच्छा ये माइनस 1 ये प्लस 1 से कैंसिल, आई माइनस आई से कैंसिल, आई पे घात 401 इंटू 0 ये तो पूरा 0 हो गया, तो आई पे घात 401 इंटू 0 का मान कितना आएगा 0 आ जाएगा, बस यही है।
एक बात आप ये सोचें कि यहाँ पे अगर 401 ना हो करके 4001 होता, कैसे होते 4001, 4002, 4003, 4004, इन सब का सम अगर पूछा जाता, इन सब का योग पूछा जाता कि इसका कितना मान आएगा, तो आप सोचें क्या होता है इनसे। तो अगर ये 4001 होता तो 4001 कॉमन आ जाता, यहाँ 1 बच जाता, यहाँ कितना बचता आई, यहाँ कितना बचता माइनस है माइनस 1, और यहाँ कितना बचता। इसका मतलब ये है कि अगर आई पे कितनी भी घात अगर 4 लगातार ली जाए तो उसका मान सदैव शून्य के बराबर होगा। क्या मतलब कहने का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एज ए नोट हम लोग इसको लिखेंगे कि आई पे घात एन प्लस आई पे घात एन प्लस 1 प्लस आई पे घात एन प्लस 2 प्लस आई पे घात एन प्लस 3, 4 लगातार आई पे घात कोई पूर्णांक लिए जाए तो उसका मान सदैव शून्य के बराबर होगा, जहां पर एन क्या है ऑब्वियसली एक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है या एक नेचुरल नंबर है या प्राकृतिक संख्या। तो जैसे यहां पे ये क्वेश्चन दिया था तो 43, 44, 45, 46 लगातार संख्याएं, तो इसका मान कितने के बराबर आना चाहिए, शून्य के बराबर। ऐसे ही ये मान है तो इसका भी मान कितने के बराबर आना चाहिए, शून्य के बराबर। ठीक, नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अब आई के रेस्पेक्ट में हमने कितनी कितनी बातें पढ़ ली उसको दोबारा रिकॉल करते हैं ना। तो पहली बात तो हमने ये पढ़ा कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होती थी, यहीं से आई की बात निकल करके आई थी। फिर हमने कहा कि फिर उसको मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए अंडर रूट माइनस एक का मान हमने आई के बराबर कह दिया, आयोटा के बराबर कह दिया। फिर हमने कहा आयोटा का मान आई जो है उसको हमने कह दिया अंडर रूट माइनस एक के बराबर होगा। फिर यहीं से हमने कहा कि आई स्क्वायर का मान कितने के बराबर होगा, माइनस एक के बराबर। आई क्यूब का मान माइनस आई, आई पे घात 4 का मान एक के बराबर होगा। फिर उसके बाद में हमने कहा कि आई ही नहीं, आई पे घात 5 का मान भी आई के ही बराबर होगा। तो वहां से हमें एक पैटर्न समझ में आया कि वे सभी संख्या जिनको 4 से भाग देने पर वो सभी आई की घात जिसको 4 से भाग देने पर एक शेषफल आ रहा हो तो उन सभी घातों को या उन सभी मानों को हम आई बोलेंगे। ऐसे ही 4 से भाग देने पर 2 शेषफल आ रहा हो तो माइनस एक बोलेंगे, 4 से भाग देने पर 3 शेषफल आ रहा हो तो माइनस आई, और अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो उसका शेष वो संख्या क्या होगी, इसका मान कितना आएगा, एक के बराबर। फिर उसके बाद में हमने ये इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हमने लिखा कि आई पे कोई भी लगातार 4 घात अगर दे रखी हो तो उसका मान कितना निकल करके आएगा, शून्य के बराबर आएगा। अब जरा एक और बात करते हैं। अभी तक हमने ये कहा कि किसी भी ऋणात्मक संख्या के अगर अंदर वर्गमूल आ रहा है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का यदि हम वर्गमूल ले रहे हैं तो वो मान क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये लेंगे, ये कहेंगे कि अगर किसी भी घनात्मक संख्या का अगर हम वर्गमूल ऋणात्मक संख्या का घनमूल ले रहे हैं तो उसका मान, उसके 3 मान निकल कर के आएंगे। वैसे तो इसके 3 मान होते हैं, वैसे ही वर्गमूल के भी 3 मान होते हैं, उन 3 मानों में से एक मान वास्तविक होगा, और सिंस हमारे सिलेबस में वास्तविक मान ही है तो इस वजह से अगर घन ऋणात्मक संख्या के अंदर अगर घनमूल आ रहा है तो हम उसका मान वास्तविक ही लेंगे। क्या मतलब कहने का कि अगर घनमूल के अंदर -8 लिखा हुआ है तो हम इसका मान -2 लिखेंगे।
वैसे तो इसके दो मान और निकल करके आएंगे, 11th क्लास में आप पढ़ोगे चल करके, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको और बताया जाएगा कि दो मान और निकल करके इसके आएंगे। वो दो मान पे अभी हम कंसर्न नहीं है, हमारा मेन फोकस इस पे वास्तविक मान। तो इसके एक वास्तविक मान आएगा और दो काल्पनिक होंगे। लेकिन अगर घनमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आ रही है तो हम इसको ये नहीं कह देंगे कि इसका मान हमेशा ही काल्पनिक होगा, एक मान वास्तविक होगा। अब इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए, घनमूल के अंदर अगर -8 आ रहा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो -2 का एक पैर बाहर निकल कर क्या जाएगा, -2 के बराबर। वैसे ये एक्सप्लेनेशन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, आप लोग के लेवल पे समझने के लिए सही है। क्या मतलब कहने का, कि अगर घनमूल के अंदर -8 लिखा हुआ है तो उसका मान -2 के बराबर आएगा, और इवन तो अभी दो मान और निकल करके आएंगे, इस एक्सप्लेनेशन से वो बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये आपने छोटे क्लासेस में ऐसा पढ़ रखा हो। अच्छा, सेकेंड, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ, अच्छा ये समझ में आ रहा हो कि -8 को -2 × -2 × -2 लिखेंगे तो 3 बार माइनस लिखेंगे तो -8 के ही बराबर आएगा। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि -4 को हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा तो माइनस रह ही नहीं जाएगा, क्यों, वो तो प्लस रह जाएगा, तो ये तो +4 लिखा हुआ है बेसिकली। तो आई होप अब समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट, अब इसी बेसिस पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ ये मान कितना होगा, तो इसका मान काल्पनिक होगा, मतलब इस वर्गमूल के 4 मान निकल करके आएंगे और 4 के चारों काल्पनिक होंगे। हमें तो ये सब सोचना ही नहीं है कितने मान निकल करके आएंगे, क्या निकल करके आएंगे। आपको बस ये याद रखना है कि अगर वर्गमूल के अंदर अगर वर्गमूल हो, चतुर्थ मूल हो, 6 मूल हो, तो उन सभी के मान हमेशा काल्पनिक होंगे। वो इस वजह से काल्पनिक होंगे क्योंकि अगर हम इस संख्या को -2 × -2 × -2 × -2 लिखेंगे तो माइनस रहेगा ही नहीं, वो तो माइनस माइनस 4 बार गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा ही नहीं। इससे ये बात समझ में आई कि अगर -16 लिखा हुआ है, यानी चतुर्थ मूल के अंदर अगर ऋणात्मक मान निकल करके आ रहा है, तो हम उसको वास्तविक लिख ही नहीं सकते, किसी भी तरीके से इसको -4 को बाहर निकाल ही नहीं सकते। अब अगर मैं आपके इसी से एग्जाम्पल और दूँ मैं कि 5√ में अगर -32 लिखा हुआ हो, तो इसको आप बिल्कुल लिख सकते हो कि 5 − 2 × −2 × −2 × −2 × −2 × −2, क्योंकि माइनस को 5 बार गुणा करोगे तो माइनस ही निकल कर, और इन 5 का एक पेयर इस पूरे का एक जोड़ा बाहर निकल करके आ जाएगा, इसका मान -2 के बराबर। तो यहाँ से आई होप अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, वो ये कि अगर किसी भी सम संख्या के अंदर, सम मूल के अंदर अगर ऋणात्मक मान आ रहा है तो उसका मान एक काल्पनिक संख्या होगी, और अगर विषम मूल के अंदर ऋणात्मक मान आ रहा है तो उसके बहुत सारे मान निकल कर आएंगे, लेकिन उनमें से एक मान निश्चित रूप से वास्तविक हो गई हो। क्या मतलब कहने का, अब ये आपको याद रखना है। क्या, एक तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया कि अगर ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल के अंदर अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल यदि हम ले रहे हैं तो उसका मान तो ऋणात्मक आएगा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि किसी भी सम संख्या के वर्गमूल में अगर ऋणात्मक मान आ रहा है तो इसके जितने भी मूल निकल करके आएंगे सारे के सारे काल्पनिक होंगे। आपको ये याद रखना है कि किसी भी सम संख्या के अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का सम मूल ले रहे हैं तो वो मान सदैव काल्पनिक होगा। नेक्स्ट, अगर हम किसी भी ऋणात्मक संख्या का विषम मूल ले रहे हैं तो इसका एक मूल वास्तविक होगा या एक मान वास्तविक होगा। तो इसका मतलब कि अगर घनमूल -8 लिखा हुआ है तो इसको आप काल्पनिक नहीं बोलोगे, इसका मान हम -2 बोलेंगे जो कि वास्तविक होगा। और ऐसा आपने किया भी होगा कि घनमूल में -8 आता था तो उसको -2 लिख देते थे, लेकिन अगर वर्गमूल में -4 होगा तो उसको -2 या 2 नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, उसी लॉजिक के बेसिस पर अगर चतुर्थ मूल के अंदर -16 लिखा हुआ है तो इसको -2 नहीं लिखेंगे, सिमिलरली इसको 2 भी नहीं लिखेंगे। तो फिर चतुर्थ मूल में अगर -16 लिखा हुआ है तो ना इसको -2 लिखेंगे ना इसको 2 लिखेंगे, ये एज इट इज रहेगा, ये काल्पनिक होगा, या इसको आई के रूप में भी तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट,
आप लोग तो बार बार ये हम बात कहेंगे नहीं, जब भी कोई चीज़ रब कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो आप लोग और नोट कर लिया करें पूरा पूरा। अब आगे बढ़ते हैं, समीकरण और इक्वेशन और इनइक्वालिटी। इक्वेशन का मतलब होता है कि बराबरी का चिन्ह, इक्वेलिटी, और इनइक्वेलिटी का मतलब होता है कि जो बराबर ना हो। अब बराबर ना हो का क्या मतलब, कि जैसे मैं कह रहा हूं कि दो संख्याएं आपस में बराबर है, तो बराबर का मतलब कि जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए आप ए बी के बराबर है, तो ए इज इक्वल टू बी, ये मैंने आपसे कहा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब ए जो मान निकल करके आएगा वही बी के बराबर हो, तो ए इज इक्वल टू बी, ये लिखा हुआ है। इनइक्वालिटी बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है इसका क्या मतलब हुआ, तो बराबर ना होने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो डायरेक्टली मैं कह दूं कि ए बी के बराबर नहीं है, नेक्स्ट ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, दूसरा ए बी से छोटा है, चौथा ए बी से बड़ा है या बराबर है, पांचवा ए बी से छोटा है या बराबर है। तो अब जरा इन सब की बात कर लेते हैं, ये बराबरी का चिन्ह है, इक्वेलिटी का चिन्ह। आई होप ये आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, ये थ्रू आउट हम लोग मैथमेटिक्स जो हम लोग अपना सिलेबस पढ़ रहे होंगे वो उसमें बार बार रिपीट होता रहेगा। ये ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ये ए बी से छोटा है। वैसे इन जनरल हम लोग ये सब सिंबल को, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं लेस देन, लेकिन ये कहने का सेंस बताता है, मतलब कहने का ये है कि इसी चीज को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ए बी से बड़ा है लेकिन बी ए से छोटा है। तो कहने के लिए मैं ऐसे भी कह सकता हूं एक्स इज ग्रेटर देन थ्री या 3 इज लेस देन x, तो दोनों बातें सही हैं, दोनों ही बातें सही हैं, दोनों बातों में अगर आप किसी भी तरीके से अटैच करोगे तो दोनों ही बातें सही हैं। यहाँ पर a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन इक्वल टू b का मतलब क्या हुआ कि a ये इम्पोर्टेंट है, इस चिन्ह का मतलब ये है कि बड़ा या बराबर, या बराबर है और बराबर नहीं है। अब या बराबर और बड़ा और बराबर में क्या डिफरेंस है, मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि फॉर एग्जांपल आपके किसी भाई ने या आपके पेरेंट्स ने आपसे ये कहा कि आप मार्केट से जाइए, बाजार से जाइए, आप एक पेन या एक पेंसिल ले आइएगा, एक पेन या एक पेंसिल ले आएगा, इसका क्या मतलब हुआ कि आप या तो एक पेन लेकर के आओ या तो एक पेंसिल लेकर के आओ। इसका मतलब अगर आप एक पेन लेकर के आ रहे हो तो भी काम चल जाएगा, एक पेंसिल लेकर के आओगे तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है कि ये लाओगे तो भी हो गया, ये लाओगे तो भी हो गया। अगर मैं यही सेंस आपसे ये बोला जाता कि एक पेन और एक पेंसिल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक पेन भी लेकर के आना है और पेंसिल भी लेकर के आना है। इसका मतलब अगर आपने सिर्फ एक पेन लाया तो भी गलत, अगर आपने एक पेंसिल लाया तो भी गलत, यानी दोनों ही बातें इंक्लूड होनी चाहिए। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे जो ये है कि x बड़ा या बराबर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि x 3 से बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब अगर x का मान 3 से कोई बड़ा रखोगे तो भी चल जाएगा, और अगर x का मान 3 के बराबर रखोगे तो भी चल जाएगा। क्या मतलब कहने का, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किसी बच्चे ने x का मान 4 रखा, तो 4 यहां पे रख के देखो, तो 4 3 से बड़ा या बराबर है क्या, तो आंसर आया यस, हाँ 4 3 से बड़ा होता है। तो अब इन दोनों में से कोई भी एक वर्क कर जाना चाहिए, बड़ा हो तो भी चल जाएगा, इक्वल हो तो भी चल जाएगा।
तो चार तीन से बड़ा है क्या? तो है, इसका मतलब x बराबर चार आंसर होगा। अच्छा, अब x बराबर फॉर एग्जांपल मैंने तीन रख दिया, तो तीन रखा तो तीन ग्रेटर देन इक्वल टू तीन है क्या? तो अब जैसे बहुत से लोग ये सोच करके कहते हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तीन तीन से बड़ा या बराबर है क्या? तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू हम देखेंगे। क्या मतलब? कि बड़ा है क्या? तो आंसर मिला नहीं। बराबर है क्या? तो हाँ। तो दोनों में से एक काम हो गया। सेम उसी तरीके से कि अगर आपसे ये कहा गया कि एक पेन या एक पेंसिल लेकर के आना, तो अगर आप एक पेन ले आए तो भी काम चल गया, तब भी आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, और अगर आप एक पेंसिल लेकर के आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बात वैलिड हो। तो आप एक पेन ले आओ तो भी चल जाएगा, एक पेंसिल ले आओ तो भी चल जाएगा। तो वही हमने कहा कि तीन तीन से बड़ा है क्या? तो आंसर मिला नहीं। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं है। फिर दूसरा, तीन तीन के इक्वल है क्या? तो आंसर मिला हाँ। तो इसका मतलब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई आपने कर ली, यानी इसमें से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जा रही है तो बात सही मानी जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट इस पर आते हैं। तो आई होप अब ये समझ में आ रहा होगा, इसको छोटा या बराबर। तो छोटा या बराबर का मतलब छोटा हो तो भी चल जाएगा, बराबर हो तो भी चल जाएगा, दोनों में से कोई भी वर्क कर जाएगा। तो ये सब कुछ फ्रीक्वेंटली अकरिंग क्वेश्चन है। जैसे अभी हम इस वाले क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि x 2x प्लस 3 का मान 5 से बड़ा है, ये बेसिकली इनइक्वालिटी हमारे 9 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन लास्ट 2 years से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एमयू के एंट्रेंस में एक आध दो क्वेश्चंस वो जानबूझ करके डाल दे रहे हैं, तो अब उसके लिए हमें भी प्रिपेयर्ड रहना है, तो वो हम बेसिक्स में ही आपको पढ़ा दे रहे हैं ना। तो जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2x प्लस 3 का मान 5 से बड़ा है, तो x का मान बताओ क्या होगा? तो एक तरीका तो ये है कि x का मान अलग अलग रख करके देखो, कि x का मान वो रखो जिससे ये मान, जैसे x बराबर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने एक रखा, तो एक अगर आपने रखा तो यहाँ कितना आएगा? 2 + 3 5, 5 5 से बड़ा है क्या? तो 5 5 से बड़ा तो नहीं है, ये बात तो गलत है। इसका मतलब x बराबर 1 नहीं रख सकते, क्योंकि रखोगे तो बात बराबर आएगी ही नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, x बराबर अगर हम 2 रखेंगे, तो 2 रखते हैं तो 2 × 4 प्लस 3, तो 4 × 3 = 7, 7 5 से बड़ा है क्या? तो आंसर मिला हाँ। तो इसका मतलब ये रख सकते हैं, x बराबर फॉर एग्जांपल अगर मैं 1.5 रखूं, तो 1.5 रखेंगे तो कितना आएगा? तो 1.5 × 2 कितना आ जाएगा? 3, 3 प्लस 3 6, 6 5 से बड़ा है क्या? तो आंसर मिला हाँ। इसका मतलब ये समझ में आया कि x बराबर ऐसे तो ऐसे रख करके जाना, ये तो कोई लॉजिकल सॉल्यूशन बनता ही नहीं है कि कहाँ तक आप रखते हुए जाओगे और कहाँ से आंसर मिलेगा। इसका मतलब कोई प्रॉपर तरीका होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, 2x प्लस 3 अगर 5 से बड़ा है, तो आप तो इसको समीकरण की तरह, अभी 3 को उधर लेकर के जाओ, इसे समझो कि समीकरण की तरह है, तो 2x ग्रेटर देन 3, 5 को उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x ग्रेटर देन 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2, तो x ग्रेटर देन 1। अब x ग्रेटर देन 1 का मतलब x का मान जब भी आप 1 से बड़ा लोगे तब भी आंसर आएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल x बराबर 1.1 ले लिया आपने, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1.1 x से 1 से बड़ा है, तो 1.1 अगर आपने रखा तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 5.2, क्योंकि 1.2.2 2.2 प्लस 3 5.2, तो 5.2 क्या 2 से 5 से बड़ा है? तो हाँ है। इसका मतलब 1.1, इसका मतलब इस क्वेश्चन के, इस इनइक्वालिटी के एक आंसर नहीं आएगा, बहुत सारे आंसर निकल कर के आएंगे। उन बहुत सारे आंसर्स में x ग्रेटर देन एक आंसर होगा ये वाला, एक आंसर होगा ये वाला, एक आंसर होगा ये वाला, और बहुत सारे आंसर्स में। आ रही बात समझ? तो x ग्रेटर देन 1, अब कोई मुझसे पूछे कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका यही है x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 का मतलब x 1 से बड़ा कोई भी मान रख दोगे तो इस इनइक्वालिटी को सत्यापित कर देगा। तो अब आप सोच रहे होगे कि सर जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, जैसे ये 2x प्लस 3 बराबर 5 अगर ये होता था, तो यहाँ से तो x का कोई एक निश्चित मान निकल करके आता था, और वो x का निश्चित मान क्या होता था? x बराबर 1। इसका मतलब x बराबर 1 अगर मैं इस समीकरण में रखूंगा तो उसका LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बच्चों।
क्यों? यहां पर एक मान निकल करके नहीं आएगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का एक आंसर नहीं होता, कई सारे, इन जनरल बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। उन बहुत सारे सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो एनीवे, अब एक आध दो क्वेश्चंस और हम देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पूरे। नेक्स्ट, 2x प्लस लेट अस से -7 ग्रेटर देन -5, ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है, x का मान निकालना है। चलो वही 2x, -7 को उधर लेकर के जाओगे +7 हो जाएगा, तो 5 + 7, तो 2x ग्रेटर देन 7 + 5, इक्वलिटी लगा लेते हैं, और मतलब क्वेश्चन ये दे रखा है ना, तो कितना आ जाएगा 12। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से डिवाइड करें, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 6। इससे क्या समझ में आया कि x का मान 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x का मान अगर आप 6 रख रहे हो तो भी चल जाएगा, 6 से बड़ा रख रहे हो तो भी चल जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो यही है, वो तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑप्शन ऐसे ही दे रखा होगा कि x का मान 6 से बड़ा। x का मान 6 से बड़ा होने का मतलब कि x का मान अगर आप 6 रखोगे तो भी बात बन जाएगी, रख करके देखो x बराबर 6, तो x बराबर का 6 रखोगे तो 6 × 12, 12 - 7, तो 12 - 7 कितना हो 5, 5 से बड़ा या बराबर है क्या? तो बड़ा तो नहीं है, बराबर है क्या? हाँ है, बराबर है। तो वही तो हमने कहा था, इसको इसे कैसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, यानी बड़ा हो तो भी चल जाएगा, इक्वल टू हो तो भी चल जाएगा। इसका मतलब एक्स बराबर 6 वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 भी वैलिड होगा, 6.1 वो भी वैलिड होगा। तो कितने ऐसे हल होंगे? बहुत सारे होंगे, अनंत हल होंगे, इन्फाइनाइट आंसर। तो वो सारे आंसर में से एक आंसर होगा 6, एक आंसर होगा 7, एक आंसर होगा 6.2, और बहुत सारे आंसर, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, 4 - 3x ग्रेटर देन 4, x का मान निकालने के। अब तो वीडियो को पॉज करो, सोचो, फिर इसके बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। तो -3x उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 - 4, तो -3x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आप तो ये सोच रहे होगे कि 3 से भाग देना, ठीक है 3 से भाग दे लो, कोई दिक्कत नहीं। -x अगर आप 3 से डिवाइड करो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 को उधर लेकर के जाओगे -3। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहीं पर ये करेंगे, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप यही मिस्टेक कर रहे होगे कि -3 से अगर आप इसको भाग दे रहे होगे तो आप ये लिख दे रहे होगे कि -3 से भाग दोगे तो -3 आ जाएगा, ये गलत है। क्या मतलब कि आप डायरेक्टली किसी भी समीकरण में माइनस से भाग नहीं दे सकते, इन समीकरण में दे सकते हो, इन इक्वालिटी में नहीं दे सकते। क्या मतलब, इसको समझने के लिए आप ऐसे देखो कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 5 3 से बड़ा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इन इक्वालिटी में -1 से भाग दे दे रहा हूँ। -1 से अगर आप भाग दोगे तो 5 - -1, क्या 3 - -1 से बड़ा होगा? तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा? तो आपको ये पता है कि ऋणात्मक में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो असल में उतनी छोटी होती है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसका इससे ये समझ में आया कि सही में इसका आंसर क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। तो अब तो हम ऐसे समझेंगे कि अगर किसी भी संख्या में, किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस से गुणा या भाग दे रहे हैं तो इनइक्वालिटी का चिन्ह पलट देंगे, चिन्ह को पलट देंगे। आप यहां से यहां देखो कि 5 से 3 था, माइनस से आपने भाग दिया, माइनस से आपने भाग दिया, तो माइनस से भाग देने पर ये कितना आ गया -5, ये कितना आ गया -3, तो इनइक्वालिटी का चिन्ह पलट गया। इससे समझ में आया कि अगर एक्स -x 3 से बड़ा है, अगर आप माइनस से भाग दे रहे हो तो ये तो x हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह पलट देंगे।
तो जो आपका आंसर आ रहा था उसके जस्ट ऑपोजिट आपका सही में आंसर निकल कर के आया। तो ये इसी पे बेस्ड एक बार क्वेश्चन भी आया था ईमेल में कि मेजोरिटी बच्चे यही गलती करके आ गए थे कि एक्स ग्रेटर देन था तो वही सेम चिन्ह लगा करके आ गए थे, जबकि सही मायने में जब अच्छा ये बात सिर्फ और सिर्फ गुणा या भाग में ही है, अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तब कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, वहां पे कोई भी टेंशन की बात नहीं होगी, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और, यहाँ से x का मान निकालना है कितना, तो आप वीडियो को पॉज करो फिर सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही सेम, पहले तो हम ये करेंगे कि x चर को एक तरफ लेकर के आएंगे, जो समीकरण को सॉल्व करने का, जो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है वही इसको भी होना चाहिए। क्या मतलब कि पहले चर को एक तरफ लेकर के आएंगे, तो इसको इधर लेकर के आएंगे, तो प्लस वाले को इधर जब लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स बाई थ्री माइनस वन बाई टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू तीन, ये उधर जाएगा तो माइनस चार, ये कितना हो जाएगा तो माइनस फाइव एक्स बाई सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। अब ये आप खुद से करके देखो। अब यहाँ पे भी बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा माइनस को माइनस से उड़ा देते हैं जैसे इक्वेशन में करते थे, ऐसा नहीं कर सकते। वो इस वजह से क्योंकि आप जो बेसिकली इक्वेशन में आप भूल गए हो कि अगर माइनस एक्स माइनस तीन के बराबर होता है तो हम ये जनरल लैंग्वेज में ये तो कर देते थे कि माइनस को माइनस से कैंसिल कर देते थे, लेकिन इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या था, तो इसके पीछे बेसिक आइडिया ये था कि हम इक्वेशन को डायरेक्टली ऐसे नहीं कैंसिल करते, फिर माइनस वन से हम डिवाइड करते हैं, तो माइनस वन से डिवाइड करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू थ्री, या माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम कह तो देते हैं, इतना ज़्यादा ये फ्रिक्वेंटली यूज होने लगता है कि हम ये कह देते हैं कि अच्छा माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो, लेकिन बेसिक आइडिया उसके पीछे ये होता है कि हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या माइनस वन से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वैसे सही तरीका यही होता है, अगर आप छोटे क्लासेस में जब आपको सिखाया जा रहा होगा समीकरण को सॉल्व करना तो ऐसे ही बताया गया होगा कि गुणा कर लो या भाग दे दो। अच्छा तो फिर तो अगर हमें माइनस को माइनस से हटाना है तो फिर हमें गुणा या भाग देना पड़ेगा, तो माइनस से ऋणात्मक संख्या से भाग देंगे। अब वही तो हमने बताया था कि किसी भी ऋणात्मक संख्या से अगर गुणा या भाग दे रहे हैं तो चिन्ह को पलट देंगे। इसका मतलब कि अगर हम इसके आगे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि 5x बटे 6 ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, यानी आप यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहे हो, माइनस एक से गुणा करो या भाग करो, एक ही बात, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक ही बात है। अच्छा ये कितना हो जाएगा 5x लेस देन इक्वल टू 6, एक्स लेस देन इक्वल टू 6 बटे 5, इसका मतलब x का मान 6 बटे 5 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, यानी x का मान अगर आप 6 बटे 5 भी रख दोगे तो भी ये इनइक्वालिटी सत्यापित होगी, या 6 बटे 5 से कम रख दोगे तो भी सत्यापित होगी, तो इसका मतलब ये भी आंसर सही है अपने आप में। तो इस तरीके से ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट जो कि मेजोरिटी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्लास में, क्लासेस के बाद में आकर के बार बार पूछते रहते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, वो हमने बेसिक में ही कंसीडर कर लिया। तो चलें अब आगे कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर प्रॉपर हम लोग सिलेबस पर आते हैं। जैसे पहला पॉइंट, ये एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन है, जो मेजॉरिटी स्कूल्स वगैरह में बच्चों को नहीं बताया जाता है, वो ये पॉइंट पहले लिखो फिर उसके बाद में थ्योरी समझाते हैं। तो लिखें पॉइंट, किसी भी समीकरण का हल ज्ञात करते समय, किसी भी समीकरण का हल ज्ञात करते समय जो भी हल निकल करके आया है, जो भी हल निकल करके आया है उसे समीकरण से सत्यापित करके देखेंगे, उसे समीकरण से सत्यापित करके देखेंगे। क्या मतलब कहने का,
कि कोई भी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो जो भी मान निकल कर के आया है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस समीकरण को सॉल्व कर रहे हो तो x बराबर प्लस माइनस दो, अब जो भी मान निकल कर के आया है उसे ज़रूर एक बार जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन दे रखा है उससे सेटिस्फाई करके देखेंगे कि मान लो अगर x का मान प्लस माइनस दो निकल करके आया है तो प्लस दो अगर आप उठा करके इस समीकरण में रखोगे तो दो का वर्ग चार बराबर चार, इसका मतलब x बराबर दो सही आंसर। x बराबर माइनस दो अगर रखेंगे तो माइनस दो का वर्ग चार बराबर चार। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि सर अगर हम सत्यापित नहीं कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है, दिक्कत ये है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप जब भी समीकरण को सॉल्व कर रहे होते हो तो जो भी मान निकल करके आ रहा होता है वो समीकरण को सत्यापित नहीं कर रहा होता है। और सिंस आपके स्कूल्स वगैरह में ऐसा आपको नहीं सिखाया जाता कि समीकरण को सत्यापित करके भी देखना है, वैसे सही मायने में तो मेथड यही है, क्योंकि अगर आप लोग एनसीईआरटी वगैरह में भी देखते होंगे तो उसका सत्यापन दे रखा होता है, वेरिफिकेशन दे रखा होता है, तो वेरिफिकेशन जो भी दे रखा होता है उसको हम लोग एक बार ज़रूर सेटिस्फाई करके देखते हैं। चलिए खैर, अच्छा तो अब कोई कहेगा कि सर कोई ऐसा एग्जांपल दे दें जिसमें सेटिस्फाई नहीं होता है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं थ्रू आउट द सिलेबस, जब हम लोग पढ़ते रहेंगे तो वो बार बार आता रहेगा। एक एग्जांपल मैं आपको अभी दे दे रहा हूँ, जैसे x बराबर लेट अस से x बराबर रूट चार है, इस समीकरण का आपको हल ज्ञात करना है। तो एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया कि x बराबर रूट चार का मान दो होता है तो x बराबर दो आंसर लिख दिया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, ये स्टूडेंट वन है और स्टूडेंट टू, स्टूडेंट टू ने क्या किया इस समीकरण का वर्ग कर लिया, तो इस समीकरण का वर्ग किया तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया चार, और x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस, तो इसका आंसर प्लस माइनस दो आया, इसका आंसर दो आया। अब मैं पूछूं किसका आंसर सही है, स्टूडेंट वन का या स्टूडेंट टू का, तो अब आप सोचो। तो अब वहाँ यहाँ पे वही बात इम्प्लीमेंट हो जाती है कि जो भी आंसर हमारा निकल करके आया है उसे हम ज़रूर एक बार जो भी ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है उससे सत्यापित करके देखेंगे। क्या मतलब कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या दे रखी है, ये तो यहाँ पे अगर आपने दो रखा है यहाँ पे तो दो बराबर वर्गमूल चार कितना होता है दो, तो दो बराबर दो, इस बच्चे का तो आंसर सही है क्योंकि दो जो भी निकल कर के आया वो बराबर है। अब यहाँ पर तो दो तो इसका भी आंसर था तो दो तो ये भी सत्यापित कर रहा हो, अच्छा क्योंकि दो रखने पर दो के बराबर होगा, माइनस दो रखेंगे तो इधर कितना आ जाएगा माइनस दो, और वर्गमूल चार कितना होता है वो तो दो ही होता है, तो दो माइनस दो दो के बराबर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब इस बच्चे ने जो प्लस माइनस दो आंसर निकाला था अगर उसने सत्यापित करके नहीं देखा तो वो आंसर प्लस माइनस दो देगा जबकि आंसर गलत होगा, तो फिर उसको सही मायने में आंसर ये देना चाहिए कि जो भी आंसर निकल करके आया चलो वर्क कर लिया आपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी आंसर आपका निकल करके आया उसको आप ज़रूर एक बार रख करके देखें। तो जैसे आपने माइनस दो जब रखा प्लस दो जब रखा तब तो सत्यापित कर गया, इसका मतलब x बराबर दो तो आंसर हो गई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने माइनस दो रखा तो माइनस दो चार के बराबर नहीं होगा, रूट चार के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब x बराबर माइनस दो नहीं हल होगा। तो फाइनल ओवरऑल आंसर यहाँ से क्या निकल करके आया x बराबर में, तो अब पूरी बातों को दोबारा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि किसी भी समीकरण का हल ज्ञात करते समय समीकरण को जो भी मान निकल करके आया है, जो भी आंसर निकल करके आया है आपको, उसको ज़रूर एक बार समीकरण में रख करके सत्यापित करके देखेंगे। अच्छा, समीकरण का हल निकल करके आ जाना ये इस बात को सत्यापित नहीं करता, जैसे अगर कोई ये कह रहा है कि सर x बराबर प्लस माइनस दो निकल करके आ गया क्या 100% आंसर यही होगा, नहीं ये नहीं कह सकते। किसी भी इक्वेशन का आंसर निकल करके आ जाना 100% गारंटी नहीं करता कि वो इस इक्वेशन का आंसर होगा ही होगा। हाँ 99% केसेस में चांसेस है कि x बराबर प्लस माइनस टू आंसर होगा। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब ये आपने एक थंब रूल बना लेंगे कि कोई भी समीकरण को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी आंसर निकल करके आया उसको ज़रूर एक बार जो भी अच्छा ओरिजिनल इक्वेशन बोल रहा हूँ एक बार नोटिस करिएगा, क्यों नहीं तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर x बराबर प्लस माइनस दो अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये तो सत्यापित करेगा, तो इसको कर रहा है और ये समीकरण यही समीकरण है तो क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं है।
जब भी किसी भी समीकरण में हम प्लस माइनस से गुणा या भाग करते हैं तो समीकरण परिवर्तित हो जाती है। किसी भी समीकरण में अगर हम वर्ग या वर्गमूल लेते हैं तो समीकरण परिवर्तित हो, तो इसका मतलब जो भी आंसर आपको, तो वो सब नहीं सोचना, जो भी आंसर निकल करके आया है वो बीच वाली इक्वेशन से नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर क्वेश्चन आपका ये था तो जो क्वेश्चन था उसमें रख करके देखेंगे, बीच के किसी इक्वेशन में रख करके नहीं देखेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये मान इस समीकरण को तो सत्यापित कर रहा हो लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन को सत्यापित ना कर रहा हो। आ रही बात समझ में? तो अब ये बात हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये एक थंब रूल बना लिया कि कोई भी समीकरण का हल निकल करके आया तो एकदम से नहीं बोल दिया कि अच्छा अब यही आंसर होगा, फिर एक बार ज़रूर उसको रख करके सत्यापित करके देखा। अब सिंस हमारा पेपर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, ऑप्शंस होते हैं चार हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो चार ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि सिंस जो भी आंसर निकल करके आ रहा होगा उसको हमें ज़रूर एक बार सत्यापित करके देखनी है, तो क्यों ना हम ऑप्शन से ही डायरेक्ट रख कर करके देख लें, उससे भी सत्यापित, जब ऑप्शन को ही हमें सेटिस्फाई करना है तो क्यों ना डायरेक्ट हम ऑप्शन जो आंसर निकल करके आया उसको सत्यापित करके देखना ही है, तो क्यों ना चारों ऑप्शन को रख रख करके देख लें, जो सत्यापित कर रहा होगा वही आंसर होगा। तो बात तो सही है लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में ऑप्शन अगर ऐसा आ जा रहा है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तब तो फिर तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो अब ऐसा भी नहीं सोच लिया कि हर बार ऑप्शन से ही करेंगे, और ऐसा भी सोच लिया कि ऑप्शन से नहीं ही करेंगे, ऐसा भी नहीं सोचा, तो दोनों में बैलेंस बना करके रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से ही हो जाएँ, और ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट ऑप्शन से ना हो पाए, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके ही सॉल्व किया। अच्छा, अब कुछ जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं लास्ट, जैसे 1/0 ये अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइन होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड। पहली बात, 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, सिमिलरली 1/0 ज़ीरो भी नहीं होता है, 1 तो खैर नहीं होता है, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे, 1/0 इज़ नॉट इन्फिनिटी, 1/0 इज़ ऑल्सो नॉट ज़ीरो, बेसिकली 1/0 का मान अपरिभाषित। अच्छा, एक बात नोटिस करिएगा, 0/1 ये तो ज़ीरो ही होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बेसिकली अगर आपने रामानुजन का नाम सुना होगा, तो रामानुजन जब थर्ड क्लास में थे, तो वो आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि रामानुजन जब थर्ड क्लास में थे वो अपने, उनके टीचर उनको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, तो वो थर्ड क्लास में वो टीचर ये कह रहे थे कि किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को जब हम उसी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर हमेशा बन आता है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से जब भाग देते हैं तो आंसर हमेशा बन आता है। तो रामानुजन खड़े होकर के बोले कि सर क्या ज़ीरो को ज़ीरो से भाग देंगे तो भी आंसर वन आएगा? तो टीचर शॉक्ड रह गया कि बेसिकली 0/0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये भी अपरिभाषित ही है या नॉट डिफाइंड ही है, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, ये सब एक ही बात है। तो ऐसे बोला जाता है कि मैथमेटिक्स में ज़ीरो से डिवीज़न अलाउड नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स में 0 से डिवीज़न अलाउड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, अब मेरे ख्याल में ये किसी को डाउट नहीं आना चाहिए कि 5/0 क्या होगा, ये भी अपरिभाषित होगा, ये भी नॉट डिफाइंड ही होगा, इसमें भी कोई स्पेशलिटी नहीं है। तो 5/0 हो, 1/0 हो, यानी इन जनरल मैथमेटिक्स में 0 से डिवीज़न अलाउड नहीं होता। 0 से डिवीज़न अलाउड ना होने का मतलब 0/0 ये अपरिभाषित है, 1/0 भी अपरिभाषित है, 0/0 भी अपरिभाषित है, इनमें से कोई भी डिफाइन नहीं है। 0/0 ये 0 नहीं होता, ये तो हम आगे चल करके बताएंगे, 0/0 एक भी नहीं होता, बेसिकली 0/0 ये भी अपरिभाषित होता है, ये भी अनडिफाइंड होता है या नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब 0^0 इसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी वो बेसिकली मैथमेटिक्स में अभी येट टू बी फाइंड है। इसका रीज़न क्या है? कोई रीज़न नहीं है, अभी तो हम छोड़ दिया, इसका सही एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, वो 11th क्लास में जब आप जाओगे कैलकुलस वगैरह के बेसिस पर दिया जाता है, इसका ग्राफ वगैरह देख करके बताया जाता है।
अच्छा ये बात बहुत सारी बुक्स में गलत दे रखा होता है, जीरो पे घात जीरो का मान बहुत जगहों पर एक भी दिया हुआ होता है, तो जीरो पे घात जीरो का मान अपरिभाषित ही याद रखेंगे, जीरो पे घात जीरो का मान ना ही आप एक बोलोगे ना ही जीरो बोलोगे। बहुत सारे बच्चे जो इलेवेंथ में लिमिट्स वगैरह पढ़े होते हैं वो कहते हैं इनडिटर्मिनेट होगा, इनडिटर्मिनेट भी नहीं होगा, वो जीरो ये जीरो अलग होता है। तो जीरो भी कई तरीके के होते हैं क्या? हाँ बेसिकली ये जीरो और वो जीरो में डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है वो अभी आपको नहीं जानना, आपको तो बस ये जानना है कि जीरो पे घात जीरो का मान शून्य नहीं होता, एक नहीं होता, अपरिभाषित होता। तो चले बेसिक्स तो कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट टर्म से अब हम लोग प्रॉपर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और जो भी चैप्टर्स होंगे उनको वन बाय वन, ये पूरे फ्रीक्वेंटली पूरी मैथमेटिक्स में यूज़ हो रहा होगा। अच्छा एक और बात जो हो सकता है यूज़फुल हो जाए, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ माइनस ए ये संख्या क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जब ये क्वेश्चन हम क्लास में पूछते हैं तो मेजॉरिटी बच्चे क्या बोलते हैं, ये आंसर ये नेगेटिव नंबर है क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ऐसा नहीं है, माइनस ए क्या है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ए क्या है। क्या मतलब, ऐसे सोचो ए का मान ही अगर खुद में माइनस दो हो जाए तब तो माइनस दो इंटू माइनस कितना आ जाएगा, प्लस दो के बराबर है। तो इसका मान मतलब ये हुआ कि ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब इसी लॉजिक के बेसिस पे अगर मैंने ये कहा कि प्लस ए क्या होगा, तो ये बड़ा बड़ा प्लस देख करके नहीं बोल दिया कि ये तो पॉजिटिव भी होगा, इसका भी मान इस बात पे डिपेंड करता है कि ए क्या है। अगर ए धनात्मक है तो ए धनात्मक होगा, अगर ए ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। अब इस बेसिस पे अगर मैं आपसे ये पूछूं ये बताओ ए बटे ए गुणे बी, तो इसके चिन्ह के आधार पर कितने मान हो सकते हैं। तो ए अगर धनात्मक है, यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ए इंटू बी का क्या क्या पॉसिबल, ए इंटू बी का मान ए और बी में, ए और बी के कितने अलग ए इंटू बी के क्या क्या मान निकल करके आ सकते हैं। तो पहला, अगर ए का मान धनात्मक हो और बी का मान भी धनात्मक हो तो ए इंटू बी इसका मान क्या निकल करके आएगा, धनात्मक है। क्यों? अच्छा ये धनात्मक को लिखने का एक और तरीका होता है कि शून्य से कोई भी संख्या यदि बड़ी है, तो कोई भी संख्या यदि शून्य से बड़ी है इसका मतलब क्या हुआ, वो धनात्मक ही होगी। बी जैसे शून्य से बड़ा जैसे 0.1 तो ये धनात्मक संख्या है, तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर इसमें दिक्कत हो तो, अभी तो आप यही मान के चलो, आगे चल करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ए भी अगर धनात्मक हो बी भी धनात्मक हो तो ए गुणे बी का मान क्या निकल करके आएगा, धनात्मक ही निकल करके आएगा, तो ए इंटू बी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। सिमिलरली अगर ए धनात्मक हो और बी ऋणात्मक हो या ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो तो उस केस में ए गुणे बी का मान कितना आएगा, तो ए पॉजिटिव है और बी ऋणात्मक है तो इस पूरे का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अच्छा अगर ए ऋणात्मक हो और बी धनात्मक हो, यानी ए अगर नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो तब तो भी ए गुणे बी का मान कितना आएगा, नेगेटिव ही है। अगर ए भी ऋणात्मक हो और बी भी ऋणात्मक हो तब, यानी ए नेगेटिव और बी भी नेगेटिव हो अगर, तो ए गुणे बी का मान कितना आएगा, तो अगेन पॉजिटिव आएगा। कैसे, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। अब यही सेम लॉजिक अप्लाई होता है ए अपॉन बी के लिए भी। अगर मैं पूछूं ए अपॉन बी के कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, तो फिर वही चार पॉसिबल केसेस होंगे। चार पॉसिबल केसेस में अगर ए धनात्मक बी भी धनात्मक तो ए बटे बी क्या होगा, धनात्मक। अगर ए धनात्मक बी ऋणात्मक तो ए बटे बी का मान कितना होगा, ऋणात्मक। ए धनात्मक और बी भी एक ऋणात्मक और बी धनात्मक तो ए बटे बी क्या होगा, ऋणात्मक। ऐसे ही लास्ट ए ऋणात्मक और बी भी ऋणात्मक तो ए अपॉन बी का मान कितना होगा, धनात्मक। तो इस बात का ख्याल रखो, डायरेक्टली नहीं बोल दिया ये, पहली बात तो ये बहुत बहुत गलत है, बच्चे मिस्टेक करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं माइनस टू क्या है, तो ये तो ऋणात्मक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो 100% नेगेटिव नंबर है। ऐसे अगर मैं पूछूं प्लस टू क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन सिंस ए एक चर है ना, तो चर का मान तो कुछ भी हो सकता है, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि ए क्या है। अगर ए पॉजिटिव है तो माइनस ए नेगेटिव हो, अगर ए का मान ऋणात्मक हो गया तो माइनस ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लास्ट अगर मैं आपसे कहूं कि a इंटू बी का मान ऋणात्मक है, a इंटू बी अगर किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल ऋणात्मक है, तो आप क्या कह सकते हो,
तो या तो ए पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, एक पॉसिबिलिटी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी ए नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो, यही पॉसिबिलिटी होगी। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ए इंटू बी, अगर ए अपॉन बी ये पॉजिटिव है, तो अब बताओ ए और बी के क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखो ए अपॉन बी पॉजिटिव कब कब आ रहा था, तो जब दोनों पॉजिटिव थे या दोनों नेगेटिव थे। इसका मतलब कि अगर ए अपॉन बी अगर आपसे कह रखा है कि ये पॉजिटिव है, तो अब मैं ये कहूँगा कि या तो ए पॉजिटिव होगा बी भी पॉजिटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखो चलो अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे इसके कंक्लूड करेंगे, बेसिक हमारा चैप्टर में इसे स्टार्ट। ओके।